अर्थ पर 8.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिनमें से 5.6 जमीन पर रहते हैं, और एस्टिमेटेड है कि 2.2 मिलियन ऑर्गेनिज्म ओशंस में रहते होंगे। और क्या आपको पता है 95% ऑफ ओशन इज अनटच्ड यानी अनएक्सप्लोर्ड है। फिर भी हम ह्यूमंस हमारे आसपास रहने वाले जीवों के बारे में बेहद कम जानते हैं, जैसे कि यह स्पैरोस यानी गौरैया। इसकी स्टोरी तो हम जानते ही हैं कि कैसे मोबाइल कम्युनिकेशन टावर्स की बढ़ती तादाद और हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से यह एक्सटिंक्ट हो सकती है। लेकिन क्या इन चुलबुली और मस्तीखोर चिड़िया की सिर्फ इतनी ही कहानी है? स्पैरोस यानी गौरैया, या फिर कहें पैसर डोमेस्टिकस। गौरैया एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, यानी वह ग्रुप में रहते हैं। यह अपना परिवार बनाते हैं और कुछ प्रकृति के बनाए हुए रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। गौरैया अक्सर परिवारों में रहती हैं। इनके एक परिवार में 10 से लेकर 150 तक सदस्य हो सकते हैं। मिमिक्स यानी नकल करना, किसी भी जीव की ग्रोथ के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट होता है। गौरैया अक्सर बिजली के तारों पर कतार में बैठ जाती है, बस जरूरत है तो किसी एक के पहल करने की। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जिसे अनहोनी होने की एंटिसिपेशन यानी पूर्वानुमान हो जाता है, और कुछ अच्छा होने का ठिकाना भी पता होता है। ढेरों पक्षियों के बीच सबसे छोटी, लेकिन अपने होने का सबूत भी देती है। स्पैरोस उन बर्ड्स में से हैं जिन्हें ह्यूमंस के साथ रहना बेहद पसंद है। इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, यह हर घर में पाई जा सकती है। शहरों में यह कमतर देखी जाती है, लेकिन गांव के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। गौरैया की पॉपुलेशन इतनी है कि इसे विश्व में पाए जाने वाले सबसे अधिक पक्षियों का दर्जा प्राप्त है। गौरैया के लिए हर वह जगह पसंदीदा है जहां इंसान की आहट होती है। स्पैरोस के लिए एक मशहूर कहावत है कि जहां इंसान अपना नया बसेरा बसाता है, वह गौरैया का पता ठिकाना बन जाता है। यही कारण है कि कभी घर में बनने वाले खाने में गौरैया का भी हिस्सा हुआ करता था। गौरैया ने प्रकृति के विकास क्रम में पहली दस्तक कब दी, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन रामायण और बाइबल में इसकी चर्चा जरूर मिलती है। और इतना तो साफ है कि इतिहास में कृषि क्रांति आने से गौरैया इंसान की साथी हो गई, और इंसानों के बड़े घरों का मामूली हिस्सा भी। इस तरह की म्यूचुअलिज्म को इंडियन सिविलाइजेशन ने अपने रिलीजन में एक स्थान दिया। इसकी देखा देखी अन्य धर्मों ने भी इसकी महत्ता को पहचाना। बचपन में याद है जब हम चिड़िया उड़ खेला करते थे? स्पैरो वह चिड़िया है जिससे हर एक बच्चा क्यूरियस हो जाता था। माँ अपने बच्चों को खाना खिलाने कहती थी, ये चिया का खाना है, ये तुम्हारा खाना है। कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट इसे एनवायरनमेंट का बैरोमीटर कहते हैं, यानी जो एनवायरनमेंट सबसे हेल्दी होगा वहाँ ये पाई जाएगी, और सुदूर गांव इनके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। स्पैरोस छोटी होती हैं और इसे हर भाषा में बड़े प्यार से नाम लिया जाता है। ज़्यादातर इनका अर्थ छोटी और प्यारी होता है। गौरैया भी मोस्टली मोनोगमस होती है, यानी एक पेयर साथ मिलकर घोंसला बनाता है। चीड़ा यानी मेल तिनके लेकर आता है, चीड़ी यानी फीमेल बड़े सहज तरीके से उसे जमाती है। गौरैया हर साल लगभग 3 से 4 अंडे देती हैं, जिनका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 12 दिन होता है। वे मिलकर बच्चों को खिलाते हैं, और फिर अगले साल यह पेयर वही ब्यूटीफुल स्टोरी दोहराता है। स्पैरोस 14 से 16 सेंटीमीटर तक की होती हैं, और ऐसा नहीं है कि इसे स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए हो। इंसान के फुटस्टेप्स जहाँ जहाँ होंगी, गौरैया वहाँ वहाँ मिलेंगी।
गौरैया का स्वभाव बेहद घरेलू होता है, इतना घरेलू कि वह इंसान के बिना कहीं रह भी ना पाए, क्योंकि इंसान के बड़े घरों में इनके छोटे घर भी होते हैं। पूरे वर्ल्ड में इसके 27 टाइप्स हैं, जिनमें से 6 स्पीसीज हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंड स्पैरो, डेड सी स्पैरो, ट्री स्पैरो और रसेट स्पैरो हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज दे आर सोमाली, पिंक, लागो, सैली, स्कॉट्रा, क्यूरी, कैप, नॉर्थन ग्री हेडेड और सूडान गोल्ड हैं। लेकिन बदलती जीवन शैली के चलते घरों की खुली खिड़कियां और दरवाजे ने बंद सा रूप ले लिया है, और जो वेंटिलेशन बचे थे उनमें भी एसी ने अपनी जगह बना ली है। धीरे धीरे मनुष्य ने इन्हें अपने घर से निकाल दिया है, और साथ ही पैक्ड फूड ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले लोग अनाज लाया करते थे, उसे स्टोर करके रखते थे, आवश्यकता पड़ने पर उसे धूप में सुखाया करते थे, जिससे गौरैया अपना गुजारा किया करती थी, और लोग उन्हें दाना भी दिया करते थे। लेकिन अब यह सब बंद हो गया। गाँव में यह खूबसूरत गौरैया आज भी चहचहाती है, लेकिन मेट्रो सिटीज ने इन्हें नहीं अपनाया। बच्चों के साथ खेलने वाली, उनकी थाली से गिरे दानों को चुगने वाली इस चिड़िया को बड़ों ने नहीं अपनाया, और बच्चों का खान पान भी बदल गया, जिसने इस प्राकृतिक रिश्ते को तोड़ दिया। इंसान अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि जानवरों के साथ अपने परस्पर संबंध भी भूल गया है। शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। मात्र 6 से 7 फुट की ऊंचाई में घोंसले बनाने वाली यह चिड़िया अब 5वें और 6वें माले पर घोंसले बनाने को मजबूर है। फर्श सीमेंट के होते हैं, जिसपे अंडे अगर गिर जाएं तो टूट जाते हैं, जिनसे इनका सर्वाइवल बेहद कम हो गया है। शहरों में गार्डन्स तो हैं, लेकिन झाड़ियाँ नहीं हैं, तो इनके लिए तिनके कहाँ से लाए जाएं? छप्पर और मिट्टी से बने घर गौरैया के लिए अनुकूल होते थे, लेकिन गगनचुंबी इमारतें इन्हें अपनापन नहीं दे पाई। अब स्पैरोस एक्सटिंक्ट होने के खतरे वाले स्पीसीज की लिस्ट में आ चुकी है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग गौरैया की 60 से 80% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, और इतना सब कुछ सिर्फ पिछले दशक में हुआ है। इसके बचाव के लिए यदि कोई कोशिश ना की जाए तो यह सिर्फ एक इतिहास की पक्षी बनकर रह जाएगी, और फिर शायद सिर्फ बच्चों के कार्टून में ही दिखाई दे। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार गौरैया की प्रजाति गंभीर खतरे वाली सूची में शामिल कर ली गई है। गौरैया की पॉपुलेशन में कमी का दूसरा कारण शिकारी पक्षी भी है। अक्सर देखा जाता है यदि गौरैया के घोंसले असुरक्षित जगह पर हों तो कौवे जैसे पक्षी उनके अंडे और बच्चों को खा जाते हैं। बंद घरों की वजह से गौरैया अब सुरक्षित नहीं है। भारतीय संस्कृति पशु पक्षियों को बेहद सहज रूप से स्थान देती है। भारतीय संस्कृति कहती है जिस घर में यह पक्षी रहते हैं वहाँ सुख और शांति बनी रहती है। ऐसे घरों में सफलता और नई उमंगें बसेरा करती हैं। भारतीय संस्कृति ने इसे बखूबी अपनाया है, जिसमें वह गौरैया को कभी देवता तो कभी अपने पितृ के रूप में दर्जा देती हैं। वेद पुराण और ग्रंथ अक्सर जिक्र करते हैं कि जिस दिन आसमान से यह पक्षी चले जाएंगे उस दिन इंसान भी पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा।